में कई जगह पर उमा भारती के गायब होने के पोस्टर लगे। उमा भारती द्वारा 15 जनवरी से शराबबंदी को लेकर आंदोलन करने की घोषणा की, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रही। शराबबंदी के बजाय प्रदेश में नई शराब नीति लागू कर दी गई है। कांग्रेस नेता बोले, केवल झूठी वाहवाही के लिए भाजपा में केवल घोषणाएं की जाती है, काम नहीं। रीगल राजवाड़ा छावनी सिंधी कॉलोनी पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के गायब होने के पोस्टर लगाए गए। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने प्रदेश में 15 जनवरी से शराबबंदी को लेकर लत लेकर आंदोलन करने की घोषणा की थी। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रदेश में घर घर शराब की दुकान खुल जाए, ऐसी शराब नीतियां बना दी थी। शराब सस्ती करने की घोषणा की ताकि लोग ज्यादा शराब का सेवन करें। इस नीति की घोषणा के बाद उमा भारती जी गायब है। कांग्रेस की माने तो पूर्व सीएम को उनकी चेतावनी याद दिलाने के लिए पोस्टर लगाकर उनके गायब होने की सूचना प्रदेश और शहर की जनता को दी है। आज आपने किस तरह का प्रदर्शन किया? देखिए, आज हमने इंदौर शहर के प्रमुख चौराहों पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के गायब होने के पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर लगाने का मुख्य कारण यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी ने कहा था कि 15 जनवरी से प्रदेश के अंदर मैं एक ऐसा आंदोलन करूंगी शराबबंदी को लेकर कि अगर मुझे शराबबंदी कराने के लिए अगर लठ भी उठाना पड़े तो मैं उठाऊंगी। मगर उनकी इस घोषणा को उनके ही प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा दरकिनार करते हुए एक ऐसी शराब नीति लाई गई कि इसमें 20% तो शराब सस्ती की गई, साथ ही घर घर शराब की दुकानें खोलने की नीति भी रास्ते साफ कर दिए। तो इसलिए आज हमने इंदौर शहर के सड़कों पर पोस्टर लगाए हैं उमा भारती जी को ध्यान दिलाने के लिए कि आपने जो घोषणा करी थी 15 जनवरी शराबबंदी आंदोलन की, उसका क्या हुआ और आप कहाँ गायब हो गई।